हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। कोशिश करने वालों की कभी हार, सही सुन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था, हो सकता है मेरी आवाज़ में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो क्योंकि नया माइक आपका आ रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगा और आवाज़ एकदम चौचक हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश में दिख रहा है, हिंदी में भी दिखेगा, आप परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज में दिखेगा, आपको सिर्फ देखना है और समझना है। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप एनसीईआरटी किताब ले लीजिए। एनसीईआरटी किताब अगर आप लेके रखेंगे ना, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो मेन एनसीईआरटी है उसी में से ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम करेंगे, मुख्य रूप से आपको हिंदी में ही दिखाएंगे, इंग्लिश वाले के लिए भी मैं इंग्लिश में दिखा दूँ। एक्सरसाइज है 7.1 बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति क्या है भैया? एक्सरसाइज 7.1 है, निर्देशांक ज्यामिति और क्लास है आपका 10th एनसीईआरटी मैथ। टाइम ना गंवाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे कम से कम समय में, ठीक है। चलें शुरू करें। कह रहा कि बिंदुओं 0.0 और 36.1515 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ये अनुच्छेद क्या है भैया? ये अनुच्छेद मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जरा समझो, यही अनुच्छेद है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना कुछ, इसमें कुछ है नहीं, आपको लिखना है हाँ हम अनुच्छेद 7.2 में दिए गए तारों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको करने के बाद तब इसको करना। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो क्वेश्चन लिखा गया है कि एक शहर बी अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, जो चित्र बना है पहला ना उत्तर पूर्व वाला इसी के है, तो इसको फिलहाल अभी किनारे कर दीजिए और हमारे बातों को आप समझिए, ओके। चलो भाई, तो फिर आ जाओ फटाफट बाबू, जल्दी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपके मेन टॉपिक पे चलते हैं जो आपको पढ़ना है। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, सबको याद है कैसे देखा था ना, हाँ उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी देखोगे। तो भैया सबको क्वेश्चन दिखाऊं या मैं आगे बढ़ूं? क्वेश्चन सेकंड आप एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, जल्दी देखो, क्लियर। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0.0 एंड 36.1515। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलिए तो हमें क्या करना है, सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। अब हम सोल्यूशन पे आगे बढ़ते हैं। साथियों आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे साल्व, जो आपके पॉइंट्स दिए गए हैं वो 0.0 दिए गए हैं, और क्या दिया गया है भैया, और दिया गया है बाबू आपका 36.15। यही आपको दिया है मेन, जो आपको लेके चलना है, बाकी इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इसमें लेके रखे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें इम्पॉर्टेंट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 6 है 7 8, ये वैसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको आप लोगों को करना है। चलिए इनको हम मान लेंगे, आप लिख लेना चाहे तो माना तो ए पॉइंट मान लेंगे, इसको बी पॉइंट मान लेंगे, क्या इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे लेट्स, माना को वो लोग एल ई एस लेट्स लिख, क्लियर। ये कहानी हो गई ना इतनी क्लियर, चलो समझ समझ के करना है, क्वेश्चन हल करने में टाइम नहीं लगता, सिर्फ समझने में समय लगता है, बस हल करने में तो फटाफट। इसके बाद क्या करेंगे पता है, इसके बाद लिखो अब ए भी निकाल लेंगे भाई, ए भी निकालेंगे, फार्मूला वही लगेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपका रहेगा, ठीक है। इसको मान लेंगे x1 y1, ये x2 y2, इसको आप को कुछ भी मान सकते हो, चाहे इसको x2 y2 मानो, इसको x1 y1 मानो, चाहे उसको मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो x2 कितना हो गया बेटा, x2 का मान 36,
माइनस एक्स वन का मान यहां से सुनना होल स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू का मान यहां से 15, वाई वन का मान सुनना होल स्क्वायर। क्लियर? इस तरह से आपका ये 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइनल में 36 का जब होल स्क्वायर करोगे साथियों तो आपको पता है 1296 होगा, 15 का होल स्क्वायर 225 होगा। आप लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा है ना ये सब। ठीक है, आगे इधर साइड में हल कर लीजिए, यहाँ जगह है नहीं। चलो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1521 लगभग आएगा और वर्गमूल करना आपको बहुत अच्छे से आता है, इसका आंसर आएगा 39। इसके लिए आपको वर्ग आना चाहिए बेटा। कहोगे ये 39 कैसे आ गया, 39 तब आता है जब हम 39 को 39 में मल्टीपल करते हैं। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि 39 का होल स्क्वायर जो है वो 1521 होता है। ठीक है, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करना होगा तब याद रहेगा, याद करके रखना। यानी आपका जो क्या पूछा था क्वेश्चन फिर से चलिए, तो स्क्रीन शॉट लीजिए, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। हो गया, क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सेकंड नंबर, मैं हिंदी में भी दिखा दूंगा, अभी समझ लीजिए कह क्या रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0.0 एंड 36.1515। हमें डिस्टेंस पहले निकालनी थी जो कि मैंने निकाल लिया। डिस्टेंस ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 39 क्या आ गई, इकाई आ गई, या यूनिट लिख लेना। ठीक है, इसमें कोई मात्रक नहीं दिया। हिंदी में देखना चाहते हो तो लो हिंदी में भी देख लो क्या कह रहा है। देखो समझो, क्वेश्चन समझो भैया, दिखा दो भाई हिंदी में। कह रहा कि बिंदुओं 0.0 और 36 यानी 36.15 ज्ञात कीजिए। दूरी मैंने निकाल लिया, अब नीचे लिखिए, बिंदुओं 0.0 और 36.15 के बीच की दूरी 39 इकाई है। ये लिख लो, बिंदुओं 0.0 और 36.15 के बीच की 39 यूनिट है या इकाई है। हिंदी में इकाई लिखेंगे, इंग्लिश वाले यूनिट लिखेंगे। ओके, चलिए मैं आगे पूछ रहा था, अब क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों सहारों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो दूरी ज्ञात करने को नहीं कहा है, सिर्फ पूछा है कि आप कर सकते हो कि नहीं। देखो अनुच्छेद यही है जो ये कह रहा है, लिखा ना आपको कुछ, ये जो कहानी लिखी गई ना, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर ही लिखा गया, जो पहला फिगर बना है इसी के बारे में इसने पूछा है कि एक शहर बी तथा एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। आप शहर बी की ओर आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो यहाँ पर ए बी आपको दिख रहा फिगर में ना भैया, ये 36 किलोमीटर 15 किलोमीटर पूर्व वाला, ये आपको दूरी ज्ञात करना था, तो इसमें लिख दो बस आपकी, हाँ हम ज्ञात कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। नीचे लिखिए, हाँ हाँ हम 7.2 में दिए गए 7.2 में दिए गए क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 7.2 में दिए गए दोनों सहारों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ हम 7.2 में दिए गए दोनों सहारों ए और बी के बीच की ज्ञात कर सकते हैं। कर लीजिए, हो गया, मिटाऊं? ठीक है, अब क्वेश्चन तीसरा पे आ जाओ भाई, तीसरा दिखाओ। क्वेश्चन तीसरे पे आ जाइए, देखिए समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, 5-7 मिनट, लेकिन अच्छे से समझना है। 3 और 4 नंबर क्वेश्चन सबसे ऊपर टॉप पे लगा दीजिए, देखिए क्या कहता है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1.5, 2.3 and -2.111। डिटरमाइन करना है कि कॉलिनियर है कि नहीं है। आप कहोगे कॉलिनियर कहाँ है, ये कौन सा लफड़ा बता रहे हो इंग्लिश, हिंदी में देखो। निर्धारित करना है ये संरेखी है या नहीं है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाऊंगा साथियों। देखो ये बहुत आसान है, संरेखी के लिए क्या करेंगे ना बाबू, आपको जो बिंदु दिए गए हैं के बीच की आप दूरी निकालो, एक बार नहीं 3 बार निकालोगे,
एक बिंदु को ए मान लोगे पहला को, दूसरे को भी, तीसरे को सी, तो आप एक बार ए बी दूरी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे और फिर ए सी निकालोगे। अगर वो सब बराबर आते हैं तो लिख दोगे कि दिए गए जो बिंदु हैं ये संरेखीय हैं, मीन्स पॉलिनियर हैं। हाँ, डिटरमाइन का मतलब डिटरमाइन करिए, निर्धारित कीजिए, डिटरमाइन का यहाँ मतलब है निर्धारित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, कॉलिनियर में फिर साइड में समझ, एक लाइन बना लो सीधी सीधी, क्या करना है, तीन बिंदु दिए गए, मान लिया कि इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, मान लिया, इनकी जो वैल्यू दी गई है स्क्रीन पे 1.5 2 हाँ -2 और -1, ये तीन बिंदु दिए गए हैं, जरा निर्धारित कीजिए, याद कीजिए, डिटरमाइन कीजिए ये संरेखी। चलो डोंट वरी, लिखिए, हिंदी में कुछ बोल रहा हूँ उसे लिखिए, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना बाबू, ठीक है, गूगल से हाँ हिंदी में लिख लो। तीन बिंदु संरेखी हैं, इसकी जांच के लिए ओ ये चर्चा लिखो, तीन बिंदु संरेखी हैं, संरेखी ये खा है, खीर वाला खा, तीन बिंदु संरेखी हैं, इसकी जांच के लिए ए तथा बी, बी तथा सी और लास्ट में ए तथा सी के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, ए तथा सी के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। अब नीचे लिखिए ए और बी के बीच की, क्वेश्चन में हटा दूंगा अभी, ठीक है, तब दिखेगा, ए और के बीच की ला रहा हूं कुछ, ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकलेगा भाई, सीधा सा बात है, कर लो, मैं इधर साइड में हल करूंगा, इधर इसको ऐसे बना रहने दो, अच्छा लग रहा है ना। तो दूरी इसके बीच की निकाल रहे हैं बाबू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर अंडर रूट लगाएंगे, अच्छा सा सुंदर सा लगाएंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर धन वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इनको सूत्र नहीं याद होता ना बाबू, एक चीज समझ लो, आपको यक्स लिखना है पहले ब्रेकेट में, एक टू लगाना है, एक वन लगाना है, दूसरे में वाई लिखना है, एक टू लगाना है, एक वन लगाना है, और ब्रेकेट में हमेशा चिन्ह माइनस रहेगा, याद रखना, बीच में प्लस रहेगा ये भी याद रखना, बस हो गया कहानी खत्म। फिर चलो अब हमें पहले ए बी निकाल रहा हूँ मैं, ए बी तो ये दोनों लेंगे, इसको एक्स वन वाई वन तो एक्स टू और वाई टू मान लीजिए, कोई हर्जा नहीं, मैथ वाले हैं हम, मान के चलते हैं, दाल सब्जी नहीं मिलती तो दाल सब्जी मान के सूखा रोटी खा जाते हैं, हाँ चलो मैंने मान लिया, फिर ये तो है विधिक, तो एक्स टू की जगह पे क्या है ध्यान दीजिए दो है, और एक्स वन की जगह पे क्या है वन है, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, वाई टू की जगह पे यहाँ से देखिए वाई वन की जगह पे यहाँ पाँच है होल स्क्वायर, क्लियर, को घटाएंगे तो वन का होल स्क्वायर, को घटाएंगे माइनस दो का होल स्क्वायर, क्लियर, ये वन का होल स्क्वायर वन, टू का होल स्क्वायर तो फोर, अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट थोड़ा सुंदर सा लगाना इज्जत के साथ ही, इसमें चौका मत निकालना आगे, नहीं गलत है, हाँ बराबर अंडर रूट पाँच आएगा, यानी हमें जो ए का मान मिला है भैया, ए बी का मान पहले दो बिंदुओं के बीच पूरी जो मिली है बाबू, इनको यहाँ पे लिख लो, अंडर रूट पाँच मिला, तो कहीं लिख लीजिए, क्योंकि इनको मिटा के इसी की जगह पे मैं दूसरा करूँगा, ध्यान से देखते जाओ, जल्दी करो भाई, स्क्रीन शॉट लेने का टाइम बहुत देर नहीं देता हूँ, जो साथी हमारे ऐप में देख रहे हैं वो इसे वीडियो को रोक करके लिखें, जो कोई स्क्रीन पे टच करके रोक लें और लिख लें, डन, चलो सूत्र नहीं मिटाना है, इसी में जुगाड़ लगा लेना है, लेकिन हाँ कॉपी में लिखने वालों फिर से लिखो, तो मैं बोर्ड पे मिटा रहा हूँ इसलिए नहीं लिख,
ऐसा कर रहा हूँ, बाकी कॉपी में लिखना है तो फिर ये मिटाना पड़ेगा। अच्छा चलो, ये भी हो गया बी सी, लिख ये बी और सी के बीच की दूरी, यहाँ पे लिखिए बी सी बराबर, ये सूत्र लिखिए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, तीसरा है ना बाबू? हाँ भैया बाबू राजा तीसरा है। आओ चलो, बी और सी, एक्स टू एक्स वन जो भी लिखा है इसे ऐसे लिखा रहा है, इसको एक्स वन वाई वन मान लो, कोई हर्जा नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बस देखते रहिएगा, और मूल्य में डायरेक्ट मान रखिए, बाकी कुछ डायरेक्ट मान रखो फटाफट। देखो क्या करना है, यहाँ समझो थोड़ा सा, ये दिया गया ना आपको, ले जाके मान रख देना सीधा, भाई हट जाए यार ये, चलो ठीक है। देखो x2 का मान क्या है, अब हमें इससे नहीं मतलब है, याद रखना उसी दोनों से मतलब, x2 का मान 2 है माइनस, x1 का मान क्या है यहाँ से देखना माइनस 2 है, वो माइनस 2 है इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, याद रखना। अब क्या होगा, इस पे हम एक दूसरा कोष्ठक लगाएंगे कि हमें इसे अलग दिखाना है, y2 का मान यहाँ से लेना दूसरे वाले से 3 है, y1 का मान यहाँ से देखो तो माइनस का 11 है, ये माइनस का 11। अब दो कोष्ठक ऐसे नहीं लग सकता है, ये बड़ा कोष्ठक या फिर अगला कोष्ठक होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, पे अंडर रूट का चिन्ह लगा था, इसे ऐसे लगा देंगे, आगे समझते चलना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। आवाज़ तो मेरी पर्याप्त है, कोई कमी तो नहीं ना आवाज़ में क्यों भाई? चलो तो इनको क्या करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दो दो जुड़ के चार हो जाएगा, चार का स्क्वायर करोगे बाबू तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, और प्लस इसको देखो ये भी जुड़ जाएगा तो 11 से 3 जोड़ोगे 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14, 14 का होल स्क्वायर करोगे आपको पता है 196 आएगा। भैया तुम सबको वर्ग याद होना चाहिए, 14 का वर्ग 196 होता है, बोलना नहीं, नहीं तो कहोगे कैसे आ गया, फिर हवा में उड़ेगा। तो जोड़ लोगे 212 आएगा अंडर रूट में, इसका कोई वर्गमूल नहीं होगा, कि जो कि आप एक पूर्ण संख्या के रूप में ऐसा कुछ पता नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हो कि बी बराबर अंडर रूट 212, ठीक है, यानी ये कुछ और आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है, इससे तो वैसे अभी निश्चित हो गया कि ये दो तीनों बिंदु संरेख नहीं है, संरेख का मतलब सीधी रेखा, सीधी रेखा में तभी होंगे जब इनके बीच की दूरियां आपस में बराबर होंगी, लेकिन अभी 100% नहीं कह सकते हो, पहले एसी भी निकाल लो, फिर हम बिल्कुल रंगे की चोप पे बोलेंगे कि नहीं है, ठीक है, तो एसी भी निकाल लीजिए इसी तरह से, उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, एसी निकाल लेंगे, नहीं तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। हमने उधर वाले को एक को एक्स वन मान लिया है और एक को एक्स टू मान लिया, उधर साइड में आप देखो एकदम किनारे वाले को, चलिए मान रख देते हैं, और आप लोग मुझे ये बताना कि क्या मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही क्या, नहीं ना, चलिए ठीक है। तो साथियों यहाँ से हम x2 का मान ले लेंगे बाबू, यहाँ पे लाके रख देंगे, और x1 का मान भी यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा, इसका होल प्लस, y2 का मान फिर यहाँ से ले लेंगे, माइनस का 11, माइनस का ये सूत्र वाला माइनस, और ये y1 का मान 5 का होल स्क्वायर, इस तरह से फिर ये आगे बढ़ेगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा 16 का स्क्वायर, ये जुड़ स्क्वायर करोगे जुड़ेगा नहीं कहीं, स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, का स्क्वायर 16 का कितना हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा, आपको आना चाहिए 16 का स्क्वायर 256 होता है, फाइनल में हो जाएगा भाई साहब 265। आपको पता है कि एक ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका जो वर्गमूल है वो कोई भी पूर्ण संख्या नहीं आएगी, यानी जो हमारी ए और सी के बीच की अगर दूरी आएगी अंडर रूट 265 है पूरा। आपने यहाँ पे क्या देखा,
तीनों अलग अलग आए ना, एक तीर घाट एक मीर। आप इसको नोट करिए स्क्रीन पे, आपको जो दिख रहा है मैं हट गया हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखवाया था, नोट कर लो लिख करके, तब रोक करके वीडियो। मैंने लिखवाया था बेटा कि ये संरेख तब होंगे जब इनमें तीनों के बीच दूरी है वो बराबर आएंगी तब। अब नीचे आप लिखो, नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन आपके लिए पूरा खाली छोड़ रहा हूँ, छुपा नहीं रहा हूँ। चलो हो गए होंगे उम्मीद करते हैं, तो मैं सामने आता हूँ। आप वीडियो को रोक करके लिखा करिए जिससे करना हो। ठीक है, आप लिखिए चूंकि ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ऐसे लिखना है कि ए बी बराबर बी बराबर ए, तो ऐसे काट देना है। इसलिए दिए गए ये बिंदु संरेख नहीं है, दिए गए ये बिंदु संरेख नहीं है। क्लियर, कोई डाउट किसी को? नहीं, इंग्लिश वाले लिख लेंगे अपना, इंग्लिश में क्वेश्चन उनको दिख ही रहा है। क्या पूछ रहा था? कॉलिनियर ना, कह रहा था डिटरमाइन इफ द पॉइंट आर कॉलिनियर, ना दीज पॉइंट आर नॉट कॉलिनियर। ओके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जरा ध्यान से देखना क्या कहता है। कह रहा है कि चेक वेदर 5, -2 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी में देख लीजिए, मैं हिंदी में आऊंगा। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा है, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन। जांच करना है, चेक करना है कि जो ये बिंदु दी गए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है, बहुत सीधा सा है, पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए बच्चा लोग। जो तीनों बिंदु दिए गए हैं इन तीनों के बीच की हम दूरी निकालेंगे। अगर वो दूरियां जो आएंगी उनमें से कोई दो आपस में बराबर हों तो हम लिखेंगे कि दिए गए ये जो शीर्ष हैं समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। अगर तीनों तीरगांव मीरगांव हो गए, मतलब तीनों अलग अलग आ गए, तो लिखेंगे कि नहीं है। चलिए कर लेते हैं, क्वेश्चन मैं स्क्रीन से हटा दूंगा अभी, आप घबराना नहीं है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 7.1। बात पक्की ना? चलो, तो साइड में आ जाओ यहाँ। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे बाबू, बात फाइनल। यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी और इसके शीर्ष दिए गए हैं तीनों, वो कुछ इस प्रकार से हैं 5, -2 ए पर है, जो कि आपको दिख रहा है 5, -2 ये 2 है याद। अगला जो बिंदु है वो 6, -4 है, मैं दिखाई देता हूँ, देख ए भाई दिख जा 6, -4। और अगला क्या है इसके बाद 7, -2 दिख रहा है ना, 6, 4 है ये, अगला है 7। ये तीनों बिंदु आपको दिए गए, जरा दिखाइए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कर लो चलो फटाफट, आप यहाँ पे लिखिए जो बोलूँगा उसे लिख लेना। हाँ लिखूँगा नहीं, आप लिखिए लिखिए दिए गए तीनों शीर्षों, या फिर क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, बताता हूँ। कह रहा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु जो दिए गए हैं बिंदु सब तीन अलग अलग समद्विबाहु त्रिभुज हैं। हाँ लिखिए, आगे लिखिए, दिए गए तीनों बिंदु
तीनों बिंदु, आगे लिखो 5, -2, 6, 4 तथा 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है ये ज्ञात करने के लिए हम ए बी बी सी तथा सी ए ज्ञात करेंगे। यदि इनमें से कोई दो भुजा आपस में बराबर हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। लिख लीजिएगा इन बातों को, वीडियो को पीछे करके लिख लेना, बस इतना सा सारांश है इसका, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं इसमें जो हमें निकालना है। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी के बाद बी सी निकालेंगे, बी सी के बाद फिर ए सी निकालेंगे, ठीक है, बात पक्की ना। चलो तो बच्चा ए बी निकालेंगे बाबू, सूत्र वही लगेगा, x2 - x2 - y, ये सूत्र रहेगा, याद रखना, कोई टेंशन ना लेना एक भी पैसे का। आगे बढ़े, अब ऐसे भी मैं बहुत तेज नहीं बोलूंगा, तेज बोलने से अपना ही ए और बी निकालेंगे बेटा, तो इसको यक्स वन मान लो भैया, इसको वाई वन, इसको यक्स टू, तो इसको वाई टू, बात पक्की। यहाँ से एक्स टू का मान बोलो क्या है, जल्दी से मान, यहाँ पे 6 रखेंगे, क्या है, वहां से आ जाओ 5, ये 5 वाई टू, तो वाई टू का मान क्या है, वाई टू का मान है 4 माइनस ये वाई वन, वहां से ले लो माइनस का 2 है भैया, माइनस का 2 है बाबू, जब ये माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब समझ लो मैं फिर काहे को लिखूं, एक लाइन और बढ़ जाएगा, एक्चुअली ऐसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा ना, क्योंकि तो जो है वो माइनस में दिया है, इसलिए ऐसे बनेगा, मैंने डायरेक्टली लिख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समय से 1 गया, परीक्षे में 5 गया, 1 हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर, और प्लस ये 4 - 6 का स्क्वायर। फाइनल में अगर हम बात करें कि अंडर रूट 37 आएगा, आएगा भाई अंडर रूट 37 आएगा बाबू, 37, ठीक है, डन। यानी जो हमारी एक इसमें क्या कमान आया कि अंडर रूट 37 आए। इसी प्रकार से हम बी सी और फिर ए सी भी निकाल लेंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, मैं आगे बढ़ूं कि अगला आ सके आपके सामने। चलो भाई जल्दी करो, चुप रो करके स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट नंबर, हाँ ध्यान दीजिए और देखते जाइए फटाफट, जल्दी जल्दी से देखिए, कुछ थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा बाबू, ठीक है, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। मैंने ए बी निकाल लिया, बी सी निकालना है, इसको x2 y2 माना है, इसको x1 y1 मान लो, अब इन दोनों को निकालना है। यहाँ पर आप लिखो बी सी, सूत्र वही लगेगा, तो फिर से लिख देता हूँ, अगली बार नहीं लिखू, ये फार्मूला होता है, याद रखना इसको। फिर देखिए x2 का मान बोलो जल्दी से क्या है, मैं तुम्हें बोल दो चाचा, है ना x2 y2, तो x2 का मान 6 है, y2 का मान 4 है, x2 का मान यहाँ से, x1 का मान यहाँ से ले लो 7 है, ब्रैकेट बंद हो, प्लस y2 का मान यहाँ से ले लो 4 है, और माइनस भी, y1 का मान -2 है, याद रखना तो -2 है, ये भी माइनस है, इसलिए प्लस हो जाए, ठीक है। अब इतने बच्चे तो हो नहीं, कक्षा 10 में पहुंचे हो, अगर ये इतना बेसिक नहीं आता है तो आप 0 लेवल देखिए रात 9 बजे, ठीक है, बेसिक वाला। इसके अलावा शाम 5 बजे से 0 लेवल से इंग्लिश का क्लास भी चल रहा है, बिल्कुल शुरू, पढ़ो घर बैठे प्यार से, ठीक है, ठीक है, चलो
तरह से इसको घटाएंगे तो ये वन का स्क्वायर हो जाएगा, इसको जोड़ दो, 4 2 6 स्क्वायर, फाइनल में ये कितना हो जाएगा बाबू, ये 1 और ये 6 का स्क्वायर 36, यानी अंडर रूट 37 आएगा। 37 ये भी आया था, ये भी 37 आया। अगला निकालना ही नहीं, कोई मतलब नहीं निकालने का। क्वेश्चन में कह रहा था क्या, क्या कह रहा था, आगे आ जा भाई क्वेश्चन। ए रुक जा, क्वेश्चन कौन सा था, जो भी ये सामने है जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये जो दिए गए हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, मत निकालो तीसरा ऐसे ही लिख दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जरा ध्यान से देखना क्या कहता है। कह रहा है कि चेक वेदर 5 कामा माइनस का 2 6 कामा 4 एंड 7 कामा माइनस का 2 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हिंदी में देख लीजिए, मैं हिंदी में आऊंगा। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कामा माइनस 2 6 कामा 4 और 7 कामा माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा है, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन। जांच करना है, चेक करना है कि जो ये बिंदुए दी गए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है। बहुत सीधा सा है, पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए बच्चा लोग। जो तीनों बिंदु दिए गए हैं इन तीनों के बीच की हम दूरी निकालेंगे, अगर वो दूरियां जो आएंगी उनमें से कोई दो आपस में बराबर हो तो हम लिखेंगे कि दिए गए ये जो शीर्ष हैं समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। अगर तीनों तीरगांव मीरगांव हो गए, मतलब तीनों अलग अलग आ गए, तो लिखेंगे कि नहीं है। चलिए कर लेते हैं, क्वेश्चन मैं स्क्रीन से हटा दूंगा अभी, आप घबराना नहीं है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 7.1, बात पक्की ना। चलो तो साइड में आ जाओ, यहाँ सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे बाबू। बात फाइनल, यहाँ पर हम लिखेंगे ए ये, और इसके शीर्ष दिए गए हैं तीनों वो कुछ इस प्रकार से हैं, 5 कामा माइनस 2 ए पर है जो कि आपको दिख रहा है, 5 कामा 2 ये 2 है याद। अगला जो बिंदु है वो 6 कामा 4 है, मैं दिखाई देता हूँ, देख भाई दिख जा, 6 कामा 4। और अगला क्या है इसके बाद, 7 कामा माइनस 2, ठीक है ना। 6 कामा 4 है ये, अगला है 7 कामा, ये तीनों बिंदु आपको दिए गए, जरा दिखाइए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कर लो चलो फटाफट, आप यहाँ पे लिखिए जो बोलूंगा उसे लिख लेना। हाँ लिखूंगा नहीं, आप लिखिए लिखिए, दिए गए तीनों शीर्षों, या फिर क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, बताता हूँ। कह रहा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु जो दिए गए हैं बिंदु सब तीन अलग अलग समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ लिखिए, आगे लिखिए, दिए गए तीनों बिंदु आगे लिखो, 5 कामा माइनस 2 6 कामा 4 तथा 7 कामा माइनस 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है ये ज्ञात करने के लिए हम ए बी बी सी तथा सी ए ज्ञात करेंगे। यदि इनमें से कोई दो भुजा आपस में बराबर हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। लिख लीजिएगा इन बातों को, वीडियो को पीछे करके लिख लेना, बस इतना सा सारांश है इसका, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं इसमें जो हमें निकालना है। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी के बाद बी सी निकालेंगे,
बीसी के बाद फिर ए सी निकालेंगे, ठीक है, बात पक्की ना। चलो तो बच्चा ए बी निकालेंगे बाबू, सूत्र वही लगेगा, एक्स टू माइनस होल टू माइनस वाई, ये सूत्र रहेगा, याद रखना, कोई टेंशन ना लेना एक भी पैसे का। आगे बढ़े, अब ऐसे भी मैं बहुत तेज नहीं बोलूंगा, तेज बोलने से अपना ही ए और बी निकालेंगे बेटा, तो इसको यक्स वन मान लो भैया, इसको वाई वन, इसको यक्स टू, तो इसको वाई टू, बात पक्की। यहाँ से यक्स टू का मान बोलो क्या है जल्दी से, मान यहाँ पे छः रखेंगे, क्या है वहाँ से आ जाओ पाँच, ये पाँच वाई टू, तो वाई टू का मान क्या है, वाई टू का मान है फोर माइनस, ये वाई वन वहाँ से ले लो, माइनस का दो है भैया, माइनस का दो है बाबू, जब ये माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, अब समझ लो मैं फिर काहे को लिख, एक लाइन और बढ़ जाएगा, एक्चुअली ऐसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा ना, क्योंकि तो जो है वो माइनस में दिया है, इसलिए ऐसे बनेगा, मैंने डायरेक्टली लिख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समय से एक गया, परीक्षे में पाँच गया, वन हो जाएगा, ये वन का स्क्वायर और प्लस ये फोर टू सिक्स का स्क्वायर। फाइनल में अगर हम बात करें कि अंडर रूट 37 आएगा भाई, अंडर रूट 37 आएगा बाबू 37, ठीक है, डन। यानी जो हमारी एक इसमें क्या कमान आया कि अंडर रूट 37 आए, इसी प्रकार से हम बी सी और फिर ए सी भी निकाल लेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, मैं आगे बढ़ूं, देखिए अगला आ सके आपके सामने। चलो भाई जल्दी करो, जो करो करके स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट नंबर, हाँ ध्यान दीजिए और देखते जाइए फटाफट, जल्दी जल्दी से देखिए, कुछ थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा बाबू, ठीक है, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। मैंने ए बी निकाल लिया, बी सी निकालना है, इसको x2 y2 माना है, इसको x1 y1 मान लो, अब इन दोनों को निकालना है, यहाँ पर आप लिखो बी सी, सूत्र वही लगेगा, तो फिर से लिख देता हूँ, अगली बार नहीं लिखो, ये फार्मूला होता है, याद रखना इसको। फिर देखिए x2 का मान बोलो जल्दी से क्या है, तो तुम्हें बोल दो चाचा, है ना x2 y2, तो x2 का मान 6 है, y2 का मान 4 है, x2 का मान यहाँ से, x1 का मान यहाँ से ले लो 7 है, ब्रैकेट बंद हो, प्लस y2 का मान यहाँ से ले लो 4 है, और माइनस है बीच, y1 का मान माइनस 2 है, याद रखना माइनस 2 है, ये भी माइनस है, इसलिए प्लस हो जाए, ठीक है। अब इतने बच्चे तो हो नहीं कक्षा 10 में पहुंचे हो, अगर ये इतना बेसिक नहीं आता है तो आप जीरो लेवल देखिए रात 9 बजे, ठीक है, बेसिक वाला। इसके अलावा शाम 5 बजे से जीरो लेवल से इंग्लिश का क्लास भी चल रहा है, बिल्कुल शुरू पढ़ो घर बैठे प्यार से, ठीक है, ठीक है। चलो इस तरह से इसको घटाएंगे तो वन का स्क्वायर हो जाएगा, तो जोड़ दो 4 2 6, फाइनल में ये कितना हो जाएगा बाबू, ये 1 और ये 6 का स्क्वायर 36, यानी अंडर रूट 37 आएगा, 37 ये भी आया था, ये भी 37 आया। अगला निकालना ही नहीं, कोई मतलब नहीं निकालने का, क्वेश्चन में कह रहा था क्या, क्या कह रहा था, आगे आ जाओ भाई क्वेश्चन, ए रुक जा, क्वेश्चन कौन सा था, जो भी ये सामने है जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये जो दिए गए हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्या आगे लिखिए, क्योंकि दिए गए तीनों शीर्ष बिंदुओं से, तीनों शीर्ष बिंदुओं से हमने
त्रिभुज बनाया, त्रिभुज बनाया, उनमें से सॉरी जो त्रिभुज बनाया उसके आगे काट के लिखना, जो त्रिभुज बनाया उसमें दो भुजाएं आपस में बराबर प्राप्त हो रही हैं, अतः दिए गए ये शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, अतः दिए गए ये शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है, हो गया क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग घर से होमवर्क करेंगे, 5 नंबर आप घर से कर लोगे सभी बच्चे किसी, तो 6 नंबर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, 5 नंबर आप कर लेना, 4 नंबर मैंने बता दिया है, 6 नंबर मैं आपको दिखाऊंगा लैंग्वेज में, फिर हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, सब कुछ मस्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर आप देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इंग्लिश दिखा दूंगा। कह रहा नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर आंसर। कहने का मतलब ये है कि जो ये पॉइंट दिए गए हैं ये किस प्रकार का चतुर्भुज बन सकता है, किस प्रकार का क्वाड्रेटल बन सकता है, ये आपको बताना है। और अगर कोई बन सकता है तो वो किस प्रकार होगा ये लिखना होगा कि इन बिंदुओं से दिया गया जो पहला चतुर्भुज बनेगा वो समबाहु होगा, समबाहु नहीं, वर्ग होगा, आयत होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समलंब होगा, क्या बनेगा ये बताना है। ठीक है, चलिए फिर छठा क्वेश्चन कर लेते हैं, पांचवा आप लोग घर से होमवर्क कर लेना। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार यदि कोई है तो बताइए, उत्तर के लिए कारण भी लिखिए ऐसा आपने क्यों लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने छठवा दिख रहा है, तो प्यारे बच्चों हम एक काम करेंगे, तो चारों बिंदु दिए गए ना, इन चारों बिंदुओं से हम एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे और फिर देखेंगे कि उस चतुर्भुज की क्या दशा है। अगर उसमें दोनों सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती तो हम कह देंगे वर्ग है, आयत है, रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की अपोजिट एंगल इक्वल होती हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर आएंगी तो हम कह देंगे वर्ग है। इसी तरह से कंडीशनें जैसे भी होंगी वैसे बताएंगे। तो फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, फर्स्ट में है -1, -2, 1, 0 और -2 और एक है बेटा इसमें -3 और 0। ये आपके चार बिंदु दिए गए हैं, की सहायता से हम एक चतुर्भुज बनाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या है ये, क्या इनको मान लेंगे। चाहे तो आप एक बार लिख लो नीचे एक लाइन, मैं तो नहीं लिखने वाला हूँ, लिख लो आप लोग माना। माना लिखने के बाद ए लिखना, ए के आगे ये पॉइंट लिख दे, बी लिखना, बी के आगे ये पॉइंट, सी के आगे ये और डी के आगे, माना लिखने के बाद लिख लेना। ठीक है, फिर देखिए ये क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कह रहा निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी लिखिए। अगर आप बता देंगे कि पहले वाले से चतुर्भुज वर्ग बन रहा है, वर्ग क्यों बन रहा है ये भी बताना पड़ेगा, नोटिस है कारण बताओ। चलिए ठीक, अब क्या करेंगे, दिए गए बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार के लिए हमें प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच की जो है वो क्या निकालना होगा, दूरी निकालना होगा। ठीक है, एक बार हम ए भी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे, एक बार सी डी निकालेंगे, एक बार ए डी निकालेंगे। इस तरह से जब हमें मिल जाएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, चलिए साथियों यहाँ से हम सबसे पहले ए भी निकालेंगे, आप सभी को दिख रहा है क्वेश्चन, मैं हटा देता हूँ। फिर बाबू यहाँ पे देखो निकालूंगा, तरह से आपका आएगा, जैसे लिख रहा हूँ ऐसे आप एग्जाम में भी, हाँ तरीका बोलता हूँ कैसे लिख को भी सुनते जाओ, कोई पर नहीं काटेगा परीक्षा में, ढंग से लिखना है। ये लिखना ए भी बराबर जो मैंने अभी बात बोला था स्टार्टिंग में, लिख लेना, लिखने के बाद तब इसे बनाना। क्या बोला था सुने हो ना, दिए गए बिंदुओं से बनने वाले
चतुर्भुज के प्रकार को ज्ञात करने के लिए पहले हम प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर आगे इतना लिख लो बस ज्ञात करेंगे। ये भैया हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा बाबू आपका x2 y2, x2 और y2। ध्यान रखना x2 का मान यहाँ से 1 हो जाएगा और x1 का मान यहाँ से माइनस 1 हो जाएगा। ध्यान देना ये माइनस 1 है ये, पर ये माइनस पहले से है इसलिए प्लस हो जाएगा। y2 का मान यहाँ से अगर आप देखो तो y2 का मान 0 है, y1 का मान यहाँ से माइनस का 2 है, माइनस का 2 और ये माइनस मिला के हो जाएगा प्लस। मैं किसी कोई आपत्ति नहीं, 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 4। इसमें दो जुड़ेगा जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो ही रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा 4। फाइनल में आपका अंडर रूट 8 आएगा। अंडर रूट 8 का मतलब जानते हो भाई साहब, 2 इंटू अंडर रूट 2 होता ना बाबू। मैं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेकिन आप बहुत ही ध्यान से देख है। हाँ चलिए इसका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हमें चार बिंदुएं निकालनी है, अब इनको लिखते भी चलो साथ में, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे सब इकट्ठा हम लिख लेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे। ये ए बी का मान आया है तरह से, अब हम बी सी निकालेंगे, रोक करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं तो मिटाऊंगा चूंकि सभी को निकालना है। क्लियर है क्या? ये हो गया बाबू, अब बी सी निकालोगे तो यहाँ पे बी सी हो गया, याद रखना बी और सी। देखो बी और सी यूज करेंगे, ए का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर ये x2 y2 है, इसको x1 y1 मान, x1 y1 इसको मान लीजिए। चलिए मान रखिए x2 यहाँ से ले लीजिए 1, x1 यहाँ से ले लीजिए माइनस 1, तो माइनस 1 और ये माइनस हो जाएगा प्लस। क्लियर? y2 का मान यहाँ से ले लो बाबू 0, माइनस y1 का मान यहाँ से ले लो 2, ये होल स्क्वायर। क्लियर? 1 प्लस 1 यानी 2 का होल स्क्वायर यानी 4, और ये 0 जब माइनस 2 घटेगा तो क्या होगा भाई, माइनस 2 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर 4। फाइनल में ये भी उतना ही आ रहा है यानी 2 इंटू अंडर रूट 2, आप कह सकते हैं ये कितना आया 2 रूट। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि बी सी बराबर भी क्या है भैया, 2 अंडर रूट 2 दिया है, लिख लीजिए जल्दी फटाफट करिए। जो बच्चे कमेंट के पीछे पढ़ रहे हैं बाबू, जब तक लाइव चल रहा है तब तक मैं किसी का नाम नहीं बोलने वाला हूँ, सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है? लाइव क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट करोगे तो मैं कमेंट देखूंगा, अभी नहीं देखने वाला, सिर्फ पढ़ाने दो, कोई बात नहीं, बातचीत नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। संतोष कुमार कमेंट आ रहा तुम्हारा, रोहित, प्रियंका, मनोज, शोभित और कौन है, रौनक, सबका कमेंट आ रहा है, शांत रहो पढ़ाई करो। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी निकालेंगे बाबू, ठीक है? चलो इसको रोक करके लिख, ये रोक करके लिखो। अब हम क्या करेंगे, सी डी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। चलो बी सी हो गया, अब सी डी, सी डी देखो ये एक्स वन वाई वन है, तो एक्स टू वाई टू मान, x2 का क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस है, x1 का मान ले लो बाबू, देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है का नहीं, हमें cd निकालना याद रखना, तो यहाँ पर भी cd जरूरी है भाई, हमारे कॉपी में जगह कम है इसलिए हम एक ही जगह पे लिख रहे हैं, इसलिए मिटा रहे हैं। अपनी की कॉपी में जगह ज़्यादा होगी तो आप मिटाना थोड़ी है आपको, आपको तो इसको अलग निकालना है, उसको अलग, उसको है? चलो सी और डी हमें इसको लेना है, इसको लेना है, इसको यूज नहीं करना, इसको भी नहीं यूज करना, तो x2 इसमें से लेंगे माइनस का 3, x1 माइनस का 1 है, तो बेटा माइनस का ये 1 और ये माइनस सूत्र वाला मिला के प्लस का 1 हो जाए होल स्क्वायर। y2 का मान 0 है,
और वाई वन का मान दो होल स्क्वायर, इसमें किसी को कोई लफड़ा नहीं। ये लाइन थोड़ा सीधा खींचा करो, हमारे में जगह नहीं इसलिए थोड़ा तिरछी हो जाती है। ठीक है, क्लियर। चलो अब क्या हो जाएगा भैया, ये माइनस प्लस घट जाएगा बाबू, तो माइनस दो का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये भी माइनस दो हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर। फाइनल में दो दूना चार, ये भी चार हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं अंडर रूट आठ आएगा। और ये तो तुम्हें सबसे पहले से पता है, जिंदगी भर पहले से, ये टू रूट टू आएगा। ठीक है, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये भैया संयोग ऐसा है कि ये सब बराबर आ, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। हो गया, वीडियो को रोक करके लिखा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अभी तो चचा ए बी बी सी और सी डी निकला है, अब डी ए निकालेंगे या ए डी निकालेंगे। चलो भाई चारों निकालना है ना, चार भुजा होगी तब तो हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे। हाँ, चतुर्भुज की बात हो रही है, क्वाड्रेटरल की बात हो रही है। एक बार क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप बोली भी याद है, समझ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि कोई है तो बताइए क्या है प्रकार का चतुर्भुज, कारण भी बताइए। चलिए अब हमें इसको यूज करना है भैया, तो नहीं करना बाबू, हाँ ठीक, वो भी नहीं करना, ध्यान देना हमें ए डी निकालना, पर हम ए डी ही लिख, तो एक्स टू का मान यहाँ से यूज करेंगे माइनस का तीन, और ये यहाँ पे माइनस है, ठीक। एक्स वन का मान यहाँ पे माइनस वन है भैया, माइनस प्लस हो जाएगा बाबू। वाई टू का मान यहाँ से यूज करोगे y1 यहाँ से माइनस दो है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस में है और भी माइनस में, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये माइनस प्लस घट जाएगा बाबू, तो माइनस दो का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दो का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये दो का होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल में आपका अंडर रूट वैसे ही रहेगा जैसे पहले था कल परसों में, ये वर्ग हो जाएगा, चार हो जाएगा, ये भी चार हो जाएगा, चार चार जुड़ेगा आठ हो जाएगा, अंडर रूट आठ, यानी टू रूट आठ, यानी टू रूट, क्लियर। यानी हम कह सकते हैं कि ए डी भी कितना आया है, उतना ही आया। अब तो कोई अंधा आदमी भी बता देगा, अगर चारों भुजाएं बराबर आई तो ये प्रकार का चतुर्भुज होगा। स्क्रीन शॉट लीजिए, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया डन। चलिए अब किसी को कोई डाउट नहीं रह गया होगा, वो मुझे पूरा उम्मीद है। अब नीचे आप एक चतुर्भुज बनाइए, जैसे यहाँ पर दिया गया भुजाएं उसी आधार पे। देखिए कोई ऐसी लंबाई तो इसमें दी नहीं गई कि जिसे मैं बता दूं तुम पटरी से बना लो। हाँ, टू इंटू अंडर रूट टू नाप का तो कोई ऐसा नाप आप जल्दी से आसानी से बना नहीं पाओगे। अंजाद करके आप एक ऐसे चतुर्भुज बना सकते हो नीचे कि चारों भुजाएं आपस में बराबर दिखनी, ऑल साइड इक्वल। आप नीचे लिखोगे इसको बनाने के बाद, लिख लो भैया, लिख तो बनाने के बाद नीचे लिखो। देखो समझो, हमने ए बी निकाला था, क्या आया था, बी सी, बी डी निकाला था, नहीं बी डी नहीं निकाला था, बी सी भी निकाला है ना, सी यहाँ लिखो तब मजा आएगा, यहाँ डी लिखो, ठीक है। बी सी निकाला था, बी सी देखो टू रूट टू आया है, सी डी निकाला था कहीं, हाँ सी डी वन निकाला था टू, ए डी निकाला था, चारों है ना। नीचे आप लिखिए, चूंकि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी बराबर ए डी, अतः अतः किए गए बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार एक वर्ग होगा। दिए गए बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार एक वर्ग होगा, क्लियर। क्या होगा बेटा, एक स्क्वायर होगा, बिकॉज आल जो भी इसमें साइड्स हमें फाइंड होते हैं वो सभी इक्वल आ रहे हैं, इक्वल है ना। आप लिखोगे क्या होगा, एक वर्ग होगा।
इस तरह से आप छठा क्वेश्चन फाइनल कर चुके हैं। सातवां क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ें, सातवां क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सातवां आपके सामने आ चुका है। सातवां नंबर आप ध्यान रखिएगा, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 7.1 चल रहा है, आपको याद दिला दूं मैं सोचा इसलिए मैंने बताया। साथियों कहता है कि यक्ष अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, -9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, यानी इक्विडिस्टेंट है। इंग्लिश में क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, सीबीएसई बोर्ड का जितना बचवा होगा वो ध्यान से पढ़ेगा टकाटक। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -2, -5 एंड -2, -9। यानी यक्ष अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, -9 से समान दूरी पर है। ये यक्ष डैश अक्ष होता है, इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं। ये वाई डैश अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है जो भाग्यशालियों को नजर आता है। हमने मान लिया कि भैया यक्ष अक्ष तो यही है, तो इसमें मानेंगे तो उसी पे मानेंगे, ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसी के घर में जाके मानेंगे, मानेंगे तो यही। तो हमने यक्ष अक्ष पे ये दोनों बिंदु मान लिया। पहला बिंदु का नाम कौन सा है? अरे बिंदु ये जो दिया है वो बिंदु नहीं जो तुम सोच रहे हो, जो दिया है ये 2, -5 और ये -2, -9। ठीक है, ये दोनों बिंदुए हैं, इनको मैंने मान लिया ए है, ये क्या है बी। तो कह रहा है यहां पर कोई एक बिंदु है जिसका मान ज्ञात की, एक ऐसा पॉइंट यहां पर है जिसका मान निकालना है। मैंने इतने कॉन्फिडेंस से कहे कहा कि यहां पे है, कि कह रहा है कि यक्ष अक्ष और वाई एच दोनों से समान दूरी पर है। जरूरी तो नहीं है चाचा कि इसके बीच में रहेगा, ये यहां भी हो सकता है समान दूरी पर, यहां भी हो सकता है, कुल मिला के जहां भी रहेगा समान दूरी पर, जो भी है कहीं भी जाइए। हाँ लेकिन कह रहा है यक्ष अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, यक्ष अक्ष पर ही ज्ञात करना है, तब यानी कि वो इसी पे रहेगा, कन्फर्म है। अगर हम यहाँ कहीं निकाल देंगे यहाँ कहीं, तब तो यक्ष अक्ष से भटक गया वो, तो इसी पे होगा कन्फर्म है, क्योंकि यक्ष अक्ष पर ही निकालने को बोल रहा है। चलो ठीक है, बात पक्की। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई साहब बाबू, इनके दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और जो दूरी आएगी भाई, चलिए देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि यक्ष अक्ष पर जो ये बिंदु होगा, हमें कोई ऐसा मान तो निकालना नहीं कि इनके बीच की दूरी निकालना, 28 आ गया 32 आ गया वो हो जाएगा, नहीं। जो भी इस पे होगा वो 2 में होगा, भुज और कोटि के रूप में, चाहे 5, 7 हो जाए, 1, 2 हो जाए, 0, 3 हो जाए, ऐसे कुछ होगा। लेकिन याद करो चचा, मैंने पढ़ाया था कि यक्ष अक्ष पर वाई का मान हमेशा 0 होता है और वाई अक्ष पर यक्ष का मान हमेशा 0 होता है। तो ये चूंकि यक्ष अक्ष पे बात हो रही है, इसलिए हम मान लेते हैं कि इसका जो निर्देशांक है, इसका नाम पी रख दीजिए, तो मान लेते हैं कि यक्ष का मान 0 है, तो कोई बुराई नहीं है, मान लिया। क्यों माना? क्योंकि यक्ष अक्ष पर है, इसलिए मैंने भुज को तो यक्ष मान लिया और वाई तो हमेशा 0 होगा यक्ष अक्ष पे। यहाँ पे कहीं भी वाई का मान लोगे चचा, हमेशा 0 होगा, कहीं भी वाई का मान लोगे हमेशा 0 होगा। लेकिन जो यक्ष अक्ष पे है उस पे वाई 0 होगा। अगर यहाँ कहीं हम लेंगे तो वाई कामा 0 नहीं, गलत है। अगर तुम वाई कामा 0 लिखे, ये दूर गलत है। क्यों? क्योंकि इसने भुज तो वाई हो गया, कोटि 0 हो गया, नहीं, भुज हमेशा यक्ष होता है। इस पे क्या होगा? यक्ष 0 होगा, यानी 0, y आप लिख सकते हो। मैं पहले बताऊं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा बेसिक, ठीक है। हाँ, यक्ष अक्ष पर हमेशा y का मान 0 होता है और y अक्ष पर हमेशा x का मान 0 होता है। चलिए कहानी बहुत मस्त चल रही है गुरु, आ जाओ फटाफट। चलो ठीक है, क्या करेंगे समझना। इसको तो मैंने मान लिया, काम हो गया खत्म। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को लेकर के क्या करेंगे, इनके बीच दूरी निकालेंगे। आगे लिखिए आप लोग, के बीच की दूरी निकालोगे, क्या निकालोगे? ये निकालोगे और ये, हाँ चलो लिखो। यानी अब हम PA और PB निकालेंगे, दोनों क्या कर देंगे,
बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको मिटा दूं या नहीं, इधर जगह है ना, लिख लेंगे, आ जाएगा इतने में। क्या लिखिए प्रश्नानुसार, यहाँ मैं प्रश्नानुसार क्यों लिख रहा हूँ अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, क्वेश्चन बताऊंगा तब। प्रश्नानुसार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कह रहा है कि वो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, यानी क्या है, ये जो आएगा पी ए वो पी बी के बराबर होगा। सीधी सी बात है, अगर ये पूरी पूरी ए बी लाइन 10 है तो ए पी 5 होगी और पी बी भी 5 होगी। बोलो होगी कि नहीं, सोचो। अगर ए से बी तक की दूरी 10 मीटर है, मान लो, सपोज करो, मैथ के स्टूडेंट हो, मान के काम चलाते हैं, रियल जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, मानते हैं, मान लिए, चलो ए बी की दूरी अगर टोटल 10 है, ए पी 5 है और ये पी क्या है 5 है, ये मानना पड़ेगा क्योंकि समान दूरी पर। अगर ये समान दूरी पर है चाचा, तो इनको हम ऐसा भी तो मान सकता हूँ पी के बराबर, है? तो पी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी ए निकालो या ए पी निकालो, बात एक हुई। तो एक को एक्स वन वाई वन मानो, एक को एक्स टू वाई टू मानो, फटाफट मानो, मानो देर ना करो, चलो यहाँ से शुरू है। इनको मानो एक्स वन वाई वन, को मानो एक्स टू वाई टू, चलो निकालो। तो सूत्र वही लगेगा जो अब तक लगाते आए हो, सूत्र मिटा दूं क्या भाई, जगह कम है, लगा लिखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा लिख के का, जगह कम लग रही है भाई, तो मैं क्वेश्चन हटाऊं तभी हो पाए। देखो ठीक है, मतलब आप समझ लो, ये चीज मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, आंसर आ जाएगा, फिर हटाऊंगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, कम है यहाँ पे, जगह अभी खरीदनी पड़ेगी। ये चीज मैं यहाँ ऊपर बना दे रहा हूँ, मेन लाइन जो हमें करना था, ये माइनस दो, दो काम पाँच, एक्स का है, मेन जो पॉइंट है वो मैंने बना दिया है, बाकी मैं इनको मिटा देता हूँ, जो आंसर आएगा वो सबके सामने। अब हमें सिर्फ उसी का काम लगेगा जो मैंने ऊपर लिख रखा, बस बाकी किसी का काम नहीं लग, यू डोंट वरी। चलो देखो ठीक, तो पी ए बराबर पी बी हमें दिखाना है भाई साहब, है तो पी बी बराबर पी ए कर लो, कोई मतलब नहीं, हम सीधा सीधा ही लिखूं, नया नया हूँ। देर मैंने इन दोनों को क्या किया, आपस में बराबर कर दिया क्योंकि प्रश्नानुसार ये बराबर होंगे। अब इधर साइड में सूत्र लगाओ, तो सूत्र एक बार लिख देता हूँ, भले दो लाइन और हो जाए, एक्स टू माइनस होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन इक्वल, इसमें भी वही लगेगा, एक्स टू माइनस होल स्क्वायर अब इसको हम क्या करेंगे, यक्स वन वाई वन लेंगे, तो यक्स टू वाई टू लेंगे, क्लियर ना बाबू, फटाफट क्लियर। चलो अब यक्स टू यहाँ से क्या है, यक्स है ले लो, एक्स वन क्या है दो है ले लो भाई, धन वाई टू, वाई टू यहाँ से जीरो है, वाई वन यहाँ से क्या है माइनस पाँच है, ध्यान देना, तो माइनस पाँच जो है वो माइनस वाला सूत्र और माइनस ये दोनों मिला के प्लस हो जाए, फिर किसी को कोई आफत नहीं, नहीं यहाँ ऐसे एरो लगाते जाओ, इनका मान भी रख लो भाई, इधर भी देखो, ये एक्स टू है वाई टू है, तो ये इसके लिए ये एक्स वन वाई वन है, याद रखना। अब हम चूंकि पी बी में आ गए हैं तो इन दोनों को यूज करेंगे कि आगे वाला छोड़ देंगे, तो एक्स टू यहाँ से लेंगे जो कि एक्स है, माइनस का एक्स वन यहाँ पर ध्यान देना बेटा, माइनस का दो है तो माइनस सूत्र में भी है इसलिए प्लस हो जाए, नहीं समझ में आएगा बताना, टेंशन मत लेना। एक्स टू का मान यहाँ से देखो, एक्स से मैंने लिया, माइनस का चिन्ह था, माइनस लगाता मैं, लेकिन जो एक्स वन का मान है यहाँ माइनस दो था इसलिए माइनस माइनस प्लस, वाई टू का मान जीरो है प्लस वाई वन यहाँ से नौ होल स्क्वायर, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं, दोनों तरफ वर्गमूल लगाए बाबू, वर्गमूल के चिन्ह कैंसिल हो जाएंगे,
वर्गमूल का चिन्ह दोनों तरफ है, जैसे हम वैसे तुम, बराबर, काम खत्म, आजम। चलो आगे देखते हैं। अब ये एक फार्मूला है, बचपन में पढ़े हो, बहुत बचपन में पढ़े हो, बुढ़ापी बेरा आ गई, अब तो बचपन में पढ़े हो ना। अरे ये सूत्र याद कर लो, याद करा भैया, है ना, मालूम है। तो ये लगेगा यक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, का स्क्वायर मतलब दो का स्क्वायर, और माइनस, मैंने लगा दिया फार्मूला, किस में लगा दिया, इतने में दौड़ा दिया। ए भाई चलो ना थोड़ा, चलो फिर बात पक्की, अभी ध्यान देना पूरी बात नहीं हुई। ये जीरो इसमें जुड़ेगा तो पाँच ही रहेगा, पाँच का स्क्वायर होगा तो पच्चीस। अब बराबर के नीचे बराबर, इसी फार्मूले का यूज इधर भी करेंगे, बाकी इधर प्लस वाला सूत्र लगेगा, माइनस वाला नहीं लगेगा, नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर मतलब दो का स्क्वायर धन दो ए बी यक्स उड़े, और धन ये नौ का स्क्वायर हो जाएगा अठारह। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं, ए चचा नौ का स्क्वायर अठारह नहीं होता है, रात के ढाई बज रहा है इसलिए दिमाग सो रहा है, नौ का स्क्वायर इक्यासी होगा। चलो अब ये यक्स का स्क्वायर है, ये भी यक्स का स्क्वायर है, अगर ये इधर आएगा तो एक प्लस है एक माइनस है, दोनों बर्बाद हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसी तरह से दो का स्क्वायर भी प्लस प्लस है, ये भी कट जाएगा, ये भी बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से चचा और का होगा, इन दोनों का गुणा कर लो तो माइनस का चार यक्स हो जाएगा, और ये भी गुणा होकर चार यक्स हो जाएगा, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा चार यक्स। उधर साइड में 81 है वैसे रहने दो, ये 25 को उधर भेज दो, माइनस का 25 हो जाएगा, तो घट जाएंगे तो 56 आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 यक्स आ जाएगा, इधर यक्स को छोड़ देंगे और ये घटा के 56 आएगा, इधर से 8 इधर को जाएगा, माइनस लेके जाएगा। भाई साहब नहीं कर रहा है, नेट में नीचे भी दिखा दूंगा, थोड़ा सा रुक, चलिए ठीक है नीचे दिख गया, यही देखना और कुछ मत देखना अगल बगल में। चलो तो ये कट जाएगा तो माइनस का सात आएगा, क्या आएगा, माइनस का सात आएगा, ठीक यानी यक्स का जो वैल्यू आ गया बाबू क्या आ गया, माइनस का सात आ गया। हम कह सकते हैं अगर ये यक्स का वैल्यू माइनस का सात आ गया तो वो जो बिंदु था क्या आया, माइनस सात कामा जीरो, माइनस सात कामा जीरो क्या आया, क्योंकि यहाँ पर यक्स का मान क्या था, माइनस सात आ गया। नीचे लिख दीजिए क्या लिखेंगे, तो लिख लीजिए फिर मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जल्दी करिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए स्क्रीनशॉट लीजिए नोट करिए, फिर मैं आगे दिखाता हूँ, क्वेश्चन देखो फिर बताता हूँ। चलो ये क्या लिखना है बता रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो कामा माइनस पाँच और माइनस दो कामा नौ से समदूरस्थ है। आप नीचे लिखो यक्स अक्ष पर वो बिंदु, लिखो एक्स अक्ष पर वो बिंदु जो माइनस दो कामा, सॉरी माइनस दो नहीं यार, दो कामा माइनस पांच ना, एक्स अक्ष पर वो बिंदु जो दो कामा माइनस पांच और एक्स अक्ष पर वो बिंदु जो दो कामा माइनस पांच और माइनस दो कामा नौ से समदूरस्थ है वह माइनस सात कामा जीरो है, है माइनस सेवन कामा जीरो है। क्लियर, बात पक्की, कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। साथियों अगला क्वेश्चन देख लो, फिर लगे हाथ आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर आठवां क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि वाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी दो कामा माइनस तीन और क्यू दस कामा वाई के बीच की दूरी दस मात्रक, आसान है। y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए भैया हो, इसमें जो q वाला है ना उसमें निर्देशांक देखो 10 कामा y लिखा है, वही आपको y निकालना है बस और कुछ, ठीक है। चाहे एक काल्पनिक ऐसे चित्र बना लो, ऐसे जरूरी तो नहीं, बना लो तो अच्छा रहेगा। पहले तो इसको मिटाओ गंदगी जो ऊपर लिखा है, तो फिर बताता हूं। चलो मैंने मिटा दिया है सारी,
क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। एक लाइन खींच के इनके दो बिंदु बना देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। मैं दिखाऊंगा अभी कैसे हल कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 8, एक लाइन खींचा, दो बिंदु P है जिसका निर्देशांक 2, -3 है, एक Q है जिसका निर्देशांक 10, -3 है, क्या है 10, यही तो है ना। क्या करने को बोल रहा है इसमें भाई, देख लो एक बार क्वेश्चन, फिर से देख लेने दो मुझे। कह रहा है कि वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इनसे क्या करने को बोल रहा है, हाँ जिनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो वाई का मान बताना है। ठीक है आसान है, थोड़ा जूम कर देता हूँ फिर देखो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा तो भाई जूम कर दो और अच्छा दिखेगा, हाँ सुंदर दिखता है थोड़ा सा। चलिए समझते चलिए साथियों, इनके बीच की जो दूरी है ना बाबू, वो 10 दी गई है, 10 इकाई है ना, वाई का मान निकालना है। ठीक है सीधी सी बात है, यानी हमें पी क्यू निकालना है, इसी में से वाई का मान आ जाएगा आंसर। चलिए ठीक निकालिए, तो हम मान लेते हैं X1 Y1 मान लेंगे, पर दिख तो रहा है ना, X2 Y2 मान लेंगे, ठीक है दिक्कत नहीं है। आप यहां से लिखोगे पी बराबर, ये सूत्र लगेगा इसमें, अंडर रूट X2 - X1 का होल स्क्वायर Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। भैया X2 का मान रख दो बाबू वहां से 10 है, X1 का मान यहाँ रख दो 2 है, होल स्क्वायर प्लस Y2 का मान यहाँ से रखो तो Y है, -Y1 का मान यहाँ पर -3। क्लियर पूरा बात पक्की, किसी को कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक ये घट जाएगा तो 8 आएगा, 8 का होल स्क्वायर करोगे तो 8 2 64 आएगा, प्लस इसमें फार्मूला लग जाएगा a+b का होल स्क्वायर, तो यानी a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन 2ab। क्या पक्का, मैं कोई परेशानी नहीं किसी को, ध्यान देना है। कह रहा था कि इन दोनों बिंदुओं के जो 10 है, यानी पी क्यू का मान 10 दिया है बाबू, याद रखना, यहाँ 10 रखते जाओ, यहाँ 10 रखते जाओ, भूलना नहीं। तो भैया हो यहाँ जो इधर स्क्वायर लगा था, इस स्क्वायर को हटा के हम इधर क्या करेंगे, सॉरी इधर से वर्गमूल का चिन्ह हटा के इधर स्क्वायर लगा देंगे, बात बराबर। अब ये 100 हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक लाइन और लिख लो, बढ़ा लो, 64 - Y² - 9 और -2 3/6 Y, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 100 जो है जिसे 100 बोलते हैं, 100 है ना, ये दूसरी साइड जाएगा, तो भैया 64 में ये जुड़ जाएगा, 64 6 70 3 73, और इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कुछ ऐसे बनेगा ये, क्या बनेगा ये देख लो भाई, Y² - 6 Y। जब ये 100 इधर जाएगा, ध्यान देना ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है माइनस में हो जाएगा, ये 64 प्लस में था ऐसे ही रहेगा, धन 9 और माइनस ये 100। फिर ये सब जब जुड़े घटेंगे, बराबर में 0 कर लीजिए क्योंकि हमने इधर साइड का सारा अंक खत्म कर दिया। इस तरह से साथियों हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा, Y² - 6 -27 मिले, 27 इसलिए मिलेगा क्योंकि ये जब जुड़े घटेगा आप हल करोगे 27 आएगा। उसके बाद हमें इसको हल करके इसके गुणनखंड करने हो, गुणनखंड करना हर किसी को आता है ना, ठीक है कर लीजिए डोंट वरी। चलिए हो जाएगा Y² प्लस ये 2 3 और ये वाई, और Y² - अब देखो ये 2 और 3 मुझे लग रहा है गलत है, 2 3 कैसे होगा भाई, ऐसी दो गिनती बताओ जिसको घटाने पर 6 आ जाए, गुणा करने पर 27 आ जाए, तो 9 और 3 तो हो जाएगा शायद, 2 और 3 तो होगा नहीं, तो 9 - 3 हो सकता है ना ये,
क्या होगा 9 माइनस 3 क्लियर। ठीक है डोंट वरी डोंट वरी, आप लोग 9 में से 3 गया तो 6 आएगा, 9 का 3 में गुणा होगा 27, ये 9 का y में गुणा हो जाएगा 9y माइनस y, ये 27 फाइनल। इनमें आप y कॉमन ले लो तो y प्लस 9 बचेगा, इसमें आप माइनस कॉमन ले लो तो y प्लस, क्लियर। तो ये y प्लस 9 आपका एक आंसर हो जाएगा और y माइनस भी एक आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा था क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन देखो एक, फिर इसको फाइनल करूंगा। क्वेश्चन देखो एक बार भाई, आ जा जल्दी आ जा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, आ जा ये आ जा 8वां नंबर आ जा भाई। कह रहा भाई का वो मान ज्ञात कीजिए के लिए बिंदु 2, -3 और 10, y के बीच की 10 मात्रक है, तो y का वो दो मान हो सकता है, ठीक है। आप लिखिए y बराबर, इनको जब 0 करोगे तो y बराबर 1 -9 होगा, 1, 3। आप लिखिए y का वो मान -9 या 3 हो सकता है, y का वो मान -9 या फिर 3 हो सकता है जिसके लिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है क्लियर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका ये एक्सरसाइज 7.1 खत्म होता है। 9 और 10 नंबर क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे और हम 7.2 अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी आप लोग इनके जो दो क्वेश्चन है उन्हें होमवर्क करेंगे, नहीं आएगा तो मुझे बताना, वैसे आ जाएगा लगभग सबको आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, दिल से धन्यवाद। क्लास को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐप में देख रहे हैं तो ईमानदारी से देखें, नोट्स बनाएं और हाँ जितना पढ़ाया गया उसे बहुत गहराई से पढ़ें। आगे की सारी क्लास बहुत जल्दी जल्दी अपडेट हो रही हैं, जितना पढ़ाया गया उसे तैयार रखें, लापरवाही ना करें जिससे बेइज्जती ना होने पाए। यार नाम होना चाहिए PVR स्टडी का ना, जितना पढ़े हो अभी तक जैसे चैप्टर 8-9 तक जो भी पढ़ाया गया सब उसे बहुत अच्छे से पढ़ लो। ऐसा नहीं कि जो चैप्टर नंबर 12 बचा है उसी लिए रोते रहो,